नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम श्याम है, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास गाड़ी है रेनॉल्ट डस्टर 85 और इस गाड़ी का हम लोग चाबी प्रोग्राम करने वाले हैं अपने X100 पैड की मदद से, जो है हमारा काफ़ी ओल्ड वर्जन। यहाँ पर आप इसका एडाप्टर देख सकते हैं, ये वाला जो शुरुआत में आया था। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दरअसल गाड़ी हमारी चालू है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पुराना चाबी है, गाड़ी चालू है। बस दिक्कत इसके अंदर ये है कि इसका जो रिमोट है वो ख़राब हो चुका है, इसका रिमोट सही नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास नया चाबी है, ये हमारा नया चाबी है। इस चाबी को हम लोग गाड़ी के अंदर पेयर करेंगे और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करना है हम लोगों को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी का चाबी अगर आप इस वाले टूल से प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जो BCM आपको दिखाई दे रहा है, इस BCM को आपको डिसेंबल करना पड़ेगा। और BCM के अंदर एक EEPROM लगा हुआ है 95040, उस EEPROM का डाटा रीड करना पड़ेगा और उस डाटा को डीकोड करके एक पिन कोड निकलता है, जो होता है आपका 2 4 6 8 10 12, 12 नंबर वाला कोड निकलता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है वो कोड आपको चाहिए होगा। बिना उस कोड के आप इस गाड़ी की चाबी प्रोग्राम इस टूल की मदद से नहीं कर सकते। बाकी के अभी मार्केट में बहुत सारे टूल आ गए हैं जिनसे हो सकता है कि आपको कोड ये EEPROM बाहर निकालने की भी जरूरत ना पड़े, बाया OBD वो काम कर दें, क्योंकि आए दिन नए नए अपडेट आते रहते हैं। तो इस केस में मैंने EEPROM को बोर्ड से उतारा हुआ है, कंप्लीट वीडियो नहीं बना पाया मैं, माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद उसका डाटा डीकोड किया, उसमें से पिन कोड निकाला और अभी हम फाइनली बाया OBD इस गाड़ी का चाबी प्रोग्राम करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, X100 पैड, ये वाला पुराना वेरिएंट है काफ़ी, ये जब शुरुआत में एक्स टूल का जो प्रोडक्ट आए थे उसी वक्त का ये मॉडल है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है इमोबिलाइजर सॉरी, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अग्री रिफ्यूज, आपको करना है अग्री। अग्री के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रेनॉल्ट दो वेरिएंट दे रखे हैं इसमें, तो जैसे इस वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट नंबर को, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेनॉल्ट का वेरिएंट है 26.70। तो इस वाले में इसका काम नहीं होगा, इसे बैक करते हैं हम लोग और आपको जाना है इस दूसरे वाले रेनॉल्ट में। सॉरी वही वाला शायद क्लिक हो गया, इसमें थोड़ा सिस्टम अलग ही है। सॉरी आपको इसी वाले में जाना है रेनॉल्ट 26.70 में। जब आप इसमें इमोबिलाइजर में जाएंगे तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जनरल और इंडिया। तो आपको इंडिया में नहीं जाना है, ज्यादातर लोग जैसे गाड़ी इंडियन है तो इंडिया में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंडिया में नहीं जाना है, आपको जाना है जनरल में। जनरल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कई गाड़ियों के नाम दे रखे होंगे आपको, जैसे एवेंटाइम है, क्लियो है, स्केप है, लोगन डेसिया है। तो यहाँ पर आपको जाना है सैंडीरो डेसिया, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें सैंडीरो डेसिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2008 से अब दे रखा है। यहाँ पर आप सिचुएशन देख लीजिए, गाड़ी का इग्निशन बंद है, चाबी लेकिन गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, इग्निशन बंद है। तो इग्निशन बंद पर ही जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोल रहा है स्विच इग्निशन ऑन, प्रेस ओके टू कंटिन्यू। तो मैं सबसे पहले करूँगा इसका इग्निशन ऑन,
इग्निशन ऑन कर दिया मैंने, और अभी मैं क्लिक करता हूँ ओके पर। ओके पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हो, करता हूँ मैं नंबर ऑफ कीज चेक करने के लिए कि कीज कितनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ कीज इन द मेमोरी 2। तो यहाँ से करूँगा मैं ओके। ओके पर मैंने क्लिक कर दिया। अभी हमें चाबी प्रोग्राम करना है, तो हम जाएंगे प्रोग्राम कीज में। प्रोग्राम कीज में आप देख पा रहे होंगे इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, 8 डिजिट पिन, दूसरा है 12 डिजिट पिन। तो इस गाड़ी के अंदर 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब उसके अंदर अल्फाबेट भी होंगे और नंबर भी होंगे। सॉरी। तो आपको क्लिक करना है 12 डिजिट पिन पर। बोल रहा है स्विच इग्निशन ऑफ, प्रेस ओके टू कंटिन्यू। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका इग्निशन बंद कर देता हूँ और इस चाबी को निकाल लेता हूँ इसको, क्योंकि ये चाबी मुझे प्रोग्राम ही नहीं करनी, प्रोग्राम ऑलरेडी है। मैं लगाता हूँ इसके अंदर नई चाबी, ये मैंने लगा के इसमें छोड़ दिया। अभी मैं करूँगा ओके पर क्लिक। अभी ये मांग रहा है 12 डिजिट का हमारा कोड। अभी ये 12 डिजिट का कोड मांग रहा है। इसका कोड है 6CEA, यहाँ से 6CEA, E6B6, C43A, उसके बाद मैं यहाँ से करूँगा ओके पर क्लिक। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 6CEA, 6CEA, E6B6, E6B6, C4, C43E, ये मुझसे हो गई। दोबारा से मैं डालता हूँ ओके। इस बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, कोड मैंने गलत डाल दिया। 6CEA, C4, 3E। अभी सही है, यहाँ से करूँगा मैं डन। पिन कोड के लिए बोल रहा है, ठीक है अभी करता हूँ मैं यस। कम्युनिकेट हो रहा है, अभी ये उसने बोला है स्विच इग्निशन ऑन। तो अभी मेरा इग्निशन बंद था, मैंने किया इग्निशन ऑन, इग्निशन ऑन कर दिया। अभी मैं करता हूँ यहाँ से ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने बोला कीज प्रोग्राम्ड 1, प्रेस ओके टू कंटिन्यू। माफी चाहूँगा, मेरा थोड़ा हेल्थ सही नहीं है। ओके पर मैंने क्लिक किया। बोल रहा है वेदर टू प्रोग्राम नेक्स्ट की, प्रेस यस टू कंटिन्यू, प्रेस नो टू रिटर्न। तो बोल रहा है आपको अगर और कोई चाबी प्रोग्राम करना है तो यस पर क्लिक करें, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। तो चूंकि मुझे एक ही चाबी प्रोग्राम करना है तो मैं करता हूँ नो पर क्लिक, नो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख के आया प्रोग्राम कंप्लीट, यहाँ से मैं करूँगा ओके। ये मैंने किया चाबी बंद और किया मैंने चाबी ऑन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सिक्योरिटी लाइट पहले जो ब्लिंक कर रही थी, अभी ये रुक गई है, सॉरी बंद हो गई है। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुका। अभी गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गाड़ी भी हमारा स्टार्ट हो गया है। प्रोग्रामिंग तो दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया, एक बार रिमोट भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो हमारा परफेक्ट काम। तो दोस्तों ये सिंपल सा तरीका है और जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से, अगर आपके पास एक्स टूल है ये वाला ओल्ड वेरिएंट, तो इससे भी आप इस गाड़ी का चाबी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।